मोहतरम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान अनवर अली फैज़ी। उम्मीद है कि आप तमामी अहबाब खैरियत से होंगे। तो आज मैं फिर हाजिर खिदमत हूं एक नए व्लॉग वीडियो के साथ। तो आज की व्लॉग वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है उन लोगों के लिए, और ये ख़ास होने वाली है जो कभी किचौता शरीफ नहीं आए हैं, उन लोगों के लिए एक वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है। जैसा कि आप सब वीडियो में देख रहे हैं कि ये वीडियो भी मैं जो शूट कर रहा हूँ, गौसुल आलम महबूब इज़दानी हुज़ूर सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अलैहि रहमतुल्लाह रिजवान की दरगाह से। जैसा कि आप देख रहे हैं ये गेट है और ये हज़रत का दरगाह है, तो यहीं से मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये कोई इसकी मत कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, पास में आए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई अपनी व्लॉग वीडियो डालूँ तो व्लॉग वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पूरी कछौता शरीफ की वीडियो आपको इसी वीडियो के अंदर मिलेगी और इसी चैनल पर मिलेगी। वीडियो के आखिर तक देख कर जाइएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप ज़्यारत कर रहे हैं महबूबे इज़दानी गौसुल आलम तारिकुस सल्तनत हुजूर सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के छोछा मुकद्दसा के मज़ार मुकद्दस की। आप बहुत खुश नसीब हैं कि ज़्यारत कर रहे हैं। अगर आप पहली बार ज़्यारत कर रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर सुबहानअल्लाह लिखिएगा। और माशाअल्लाह बहुत ही प्यारा नज़ारा है। मैं बहुत मेहनत से ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। जैसा कि आप सबको मालूम है कि 2021 में जो ये उर्स पड़ा है, उर्स के मौका पर मैं ये व्लॉग वीडियो बना रहा हूँ। 2021 में जो ये उर्स है हुजूर मखदूम पाक का, तो ये 635वां उर्स मुकद्दस है। तो आप लोगों के लिए मैं बहुत खूबसूरत सा ये वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग ज़्यारत कीजिए। जो लोग यहाँ नहीं आए हैं उनके लिए तो और भी अच्छी वीडियो है कि आप इस वीडियो में अपने घर बैठ कर हुजूर मखदूम पाक के मज़ार मुकद्दस की ज़्यारत कर सकते हैं। ये जैसा कि आप सब देख रहे हैं, ये दरगाह के अंदर जाने का रास्ता है और ये गेट है, और यहाँ पर शजरा शरीफ है। जैसे कि आप सब इसको पढ़ सकते हैं, सिलसिले आलिया चिश्तिया निज़ामिया अशरफिया। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, इस शजरा शरीफ आप इसको पढ़ सकते हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत से ये व्लॉग वीडियो बना रहा हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम भी है कि हुजूर मखदूम पाक अलैहि रहमतुल्लाह रिजवान का उर्स मुकद्दस 2021 में चल रहा है, सितंबर के महीने में। तो ये है मज़ार मुकद्दस के पीछे का मंज़र। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, मज़ार मुकद्दस से मैं पीछे आ गया हूँ, यहीं से वीडियो दिखा रहा हूँ। पीछे की तरफ से कुछ इस तरह दिखाई देता है खूबसूरत सा नज़ारा। अब मैं पीछे से दिखाने के बाद चाहता हूँ कि आप तमामी अहबाब को मैं नीर शरीफ की ज़्यारत कराऊँ। आप लोगों ने नीर शरीफ के बारे में सुना होगा, तो उससे पहले मैं आपको गेट दिखा देता हूँ। ये है बाबे रहमत। यहीं से होकर ऊपर की तरफ जाएंगे, सीढ़ियों से होते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर की तरफ जाकर। ये गेट के सामने यानी मेन दरगाह के सामने का मंज़र है। अब मैं गेट से चढ़कर ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। जैसा कि वीडियो में आप सब देख भी रहे होंगे कि ये जो मैं आ रहा हूँ, ये मेरी ही तस्वीर है, ये मेरी ही वीडियो है। तो मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। ऊपर जाने के बाद फिर मैं ऊपर से नीर शरीफ की ज़्यारत कराऊँगा। आप सब नीर शरीफ के बारे में सुने भी होंगे कि यहाँ पर जो नीर शरीफ है, कितना शिफायाबी पानी है ये। तो लीजिए ज़्यारत कीजिए। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, मैं मज़ार शरीफ के ऊपर से दिखा रहा हूँ, तो हरा हरा पानी है। और जो उतने दूर पर आप सबको देख रहे हैं, तो नाज़रीन वहाँ पर बैठ कर हाज़िरी लगा रहे हैं, और तीनों तरफ से नीर का पानी है। यानी आप देखेंगे उत्तर दक्षिण पश्चिम के साइड से आपको नीर शरीफ का पानी मिलेगा, और पूरब साइड से मज़ार शरीफ पर आने का रास्ता है। तो ये है औलिया मस्जिद। इस मस्जिद का नाम है औलिया मस्जिद, जो जस्ट मज़ार शरीफ के बगल ही में है। तो ये नीर शरीफ है, नीर शरीफ की ज़्यारत कीजिए। तो नीर शरीफ के हवाले से मैं कुछ ज़्यादा ना कहकर सिर्फ एक शेर मुझसे सुनने मुझे याद आ रहा है कि एड़ियाँ मस हुई धरती से जो निकला पानी, चश्मे कौनैन ने देखा नहीं ऐसा पानी, और मिल गई उसको शिफा जिसने अकीदत से पिया, मिल गई उसको शिफा जिसने अकीदत से पिया। मेरे मखदूम तेरे नीर का मीठा पानी,
मेरे मखदूम तेरे नीर का मीठा पानी। मिल गई उसको शिफा जिसने अकीदत से पिया, मेरे मखदूम तेरे नीर का मीठा पानी। तो ये वो पानी है जो अकीदत से पिएगा, जो भी बीमारी होगा वो बीमारी ख़त्म हो जाती है इस पानी को पीने के बाद, जैसा कि लोग यहाँ पर आते हैं और जानते भी हैं। अब मैं मज़ार शरीफ के पश्चिम साइड से होकर आपको ज़ियारत करा रहा हूँ, मज़ार शरीफ से दूर होकर, यानी अभी तक मज़ार शरीफ के ऊपर था, अब मैं मज़ार शरीफ के नीचे चला आया हूँ। मज़ार शरीफ के पश्चिम साइड से मैं ज़ियारत करा रहा हूँ। जैसा कि आप सब देख भी रहे हैं कि मज़ार शरीफ के तीनों तरफ नीर का पानी है, और मज़ार शरीफ के पानी के उस साइड आप जाएंगे पूर्व साइड में, तो मज़ार शरीफ से ऊपर जाने का रास्ता है मेन दरगाह पे। तो देखिए, ज़्यारत कीजिए, और इस वीडियो को प्लीज़ अगर अभी तक आप लाइक नहीं तो लाइक कर दीजिएगा, और जो आपके दोस्त अहबाब ज़्यारत करना चाहते हैं उन तक ये वीडियो पहुँचा दीजिए ताकि वो भी ज़्यारत कर लें। तो 635वां उर्स है सितंबर 2021 में, ये मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी, और हमारी हर वीडियो आप ज़रूर देखिए, बहुत ही अच्छी से मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो आप सबको मैं दिखा दिया और ज़्यारत भी करा रहा हूँ कि नीर शरीफ की ज़्यारत कर लीजिए, और अगर और वीडियो देखना चाहते हैं कि छोटा शरीफ की, तो हमारे चैनल के अबाउट में जाएं और वहाँ से देख सकते हैं, यानी चैनल के वीडियो में जाएं और वहाँ से देख सकते हैं। हमारे चैनल पर जाएं कि छोटा शरीफ की बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, और जाकर वहाँ से तफसील से छोटा शरीफ की वीडियो दे सकते हैं। तो देखिए, का ही खूबसूरत सा नज़ारा है, और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर आने के बाद भी। तो माशाल्लाह, क्या ही खूबसूरत सा नज़ारा है हुजूर मखदूम पाक के मज़ार शरीफ से मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आप खुश नसीब हैं कि आप भी देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, और फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। खुदा हाफिज़।